खसखसवाड़ी वार्ड 11 में चारों तरफ गंदगी का मंजर सामने आया है। कांग्रेस पार्षद रुकैया बानो ने नगर पालिका पर लापरवाही का आरोप लगा दिया। यही नहीं, रुकैया बानो ने तो नगर पालिका CMO तक को थप्पड़ मारने की धमकी दे दी। खरगोन को स्वच्छ भारत अभियान के तहत नंबर 1 का दर्जा दिया गया है। आइए हम दिखाते हैं आपको, नंबर 1 खरगोन ये है। खरगोन के खसखसवाड़ी वार्ड क्रमांक 11, जहां चारों तरफ गंदी नालियां हफ्तों तक साफ नहीं होती, रहवासी भी इस गंदगी से परेशान हैं। यही नहीं, उनका तो यह भी कहना है कि पार्षद रुकैया बानो रहवासियों से भी ठीक व्यवहार नहीं करती। गंदगी का यह नज़ारा इसी खरगोन की खसखसवाड़ी का है, जिसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत स्वच्छ खरगोन नंबर 1 कहा जाता है। अब हम दिखाते हैं कि रहवासियों का क्या कहना है। यहाँ तो आज तक नाली बंद है, यहाँ नाली नहीं, पानी नहीं आता। जब तक पानी नहीं आएगा यहीं का यहीं रहेगा। नगर पालिका की जगह बताओ और इनकी जगह कहाँ तक की बताओ। ये नगर पालिका आगे बताओ, यहाँ तक है नगर पालिका की जगह, यहाँ तक है, यहाँ तक है। ये पूरी नालियाँ पूरी बंद पड़ी थी, बोलो तुम। आइए अब हम आपको दिखाते हैं हमारे स्क्रीन वीडियो में कांग्रेस पार्षद रुकैया बानो की दबंग गई। हम लिख के दे सकते हैं ना, मेरी बात सुनो, दे दिया हमने, बोल भी दिया वहाँ पर, है ना, कर्मचारियों का भी बोल दिया, इसका भी बोल दिया। क्या अब हम CMO साहब को मारे? क्या अब हम CMO साहब को मारे? क्या अब हम CMO साहब को मारे? बोलो कांग्रेस पार्षद रुकैया बानो ने बताया कि BJP सरकार होने से हमारे साथ भेदभाव किया जाता है और वार्ड में ध्यान नहीं दिया जाता। आइए हम दिखाते हैं इस पर नगर पालिका अध्यक्ष विपिन गौर का क्या कहना है। ये वार्ड क्रमांक 11 का जो मामला है, जहाँ पर साफ सफाई को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं, पार्षद का भी कहना वहाँ की रुकैया बानो है कि यहाँ हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इस तरह तो क्या है सर? नगर पालिका द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी वार्ड के अंदर भेदभाव नहीं किया जाता है। नगर पालिका के द्वारा सभी वार्डों की सफाइयाँ विधिवत रूप से की जाती है और होती है। रुकैया बानो जी का कहना है कि हमारे वार्ड में सफाई होता है, तो ऐसी बात नहीं है, उनके वार्ड में भी सफाई होती है। वहाँ छोटी छोटी सी नालियाँ भी, बड़े बड़े नाले भी बनाए गए हैं, सीमेंट कंक्रीट के बनाए हुए हैं, और उनका जो ये कहना है कि हमारी सुनते नहीं है, ये बात गलत है। हम लोग सभी पार्षदों की सुनते हैं, सभी पार्षदों का काम करते हैं। नगर पालिका में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, सबको समान रूप से देखा जाता है। अतिक्रमण का भी काफ़ी वहाँ वो बना हुआ है, तो अतिक्रम कई बार उसको देकर आवेदन दे चुके हैं। अतिक्रमण तो जो है उसके लिए जो है हमारे यहाँ जो मजिस्ट्रेट पावर नहीं है नगर पालिका के अंदर, मजिस्ट्रेट पावर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से जो है वो हम अतिक्रमण को हटाने के प्रयास करें, ऐसी कोई हमारे पास मतलब समस्या लागू नहीं होती है। मतलब मजिस्ट्रेट पावर नहीं होने की वजह से हम कर नहीं सकते हैं उसको। करें मतलब कुछ वार्ड क्रमांक 11 में सफाई कर्मी भी दो ही लोग आते, दो तीन लोग आते नहीं। हमने जो है नगर पालिका के द्वारा ये करा गया है कि एक एक वार्ड के अंदर 8-8 लोगों को हमने फिक्स करा है, सफाई कामगारों को। वो सफाई कामगार अपने अपने वार्ड के अंदर नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसकी वजह से जो वहाँ काम प्रभावित होता हो। तो पब्लिक की भी शिकायत है कि जो पार्षद है वहाँ की रुकैया बानो, लोगों का कहना है कि वो मतलब सफाई को लेकर अगर उनसे कोई कहता है तो वो डराने चमकाने की बात करते, इस पर कोई कार्रवाई का कोई प्रावधान नहीं बनेगा? पार्षद की बात अलग है, पार्षद डराती चमकाती है तो उसका मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन जो हमारी नगर पालिका के द्वारा नियमित साफ सफाई की जाती है और होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DJ Rana News, खरगोन।